महाराष्ट्र में ठाकरे राज का आगाज हो गया है। उद्धव ठाकरे ने मुंबई में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ 6 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में जबरदस्त आतिशबाजी भी देखने को मिली। समारोह में कई राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हुई। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र में ठाकरे राज की शुरुआत हो गई है। मुंबई के शिवाजी पार्क में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में कई राजनीतिक हस्तियों ने शिरकत की। सबसे खास बात ये रही कि समारोह में उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे भी पहुंचे। शपथ लेने के बाद उद्धव ठाकरे ने सिर झुकाकर महाराष्ट्र की जनता को नमन किया। उद्धव ठाकरे की कैबिनेट के 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें 2 शिवसेना कोटे से मंत्री बने, जिनमें एकनाथ शिंदे। मी श्री एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की। और सुभाष देसाई को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। उनके अलावा एनसीपी कोटे से भी 2 विधायकों को ठाकरे कैबिनेट में शामिल किया गया। एनसीपी विधायक दल के नेता जयंत पाटिल और विधायक छगन भुजबल ने मंत्री पद की शपथ ली। महात्मा ज्योतिराव फुले। वहीं कांग्रेस के कोटे से भी 2 मंत्री बने हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बालासाहेब थोराट को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। वहीं कांग्रेस के ही नितिन राउत को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। ठाकरे परिवार से पहली बार कोई सत्ता में भागीदार बना है। इससे पहले शिवसेना सत्ता में तो रही, लेकिन ठाकरे परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर आसीन नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे भी कह चुके हैं कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा किया है। वहीं मुख्यमंत्री बनने पर उद्धव ठाकरे को बधाइयां भी मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट कर बधाई दी। शपथ ग्रहण समारोह से पहले महाविकास अघाड़ी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी किया गया। महाविकास अघाड़ी की 3 पार्टियां शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जानकारी दी और सरकार की मजबूती की बात कही। अब देखना यह है कि ठाकरे सरकार उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।